अब इसकी पावर केबल लगा दें। आइए पावर। पावर केबल इसकी पोर्ट बनी होगी यहाँ पे। इस जगह पे पावर लग गई, ये पावर आ गई। सीडी कहाँ जाएगी? सीडी इसमें सीडी ड्राइवर कंप्यूटर के लिए। ये अब रेडी हो गया जी। अब कि हमने इनिशियलाइजिंग करनी है। ये पेजेस आते हैं। ये फर्स्ट टाइम पे जो है ये पावर आप जब लगाएंगे, पेपर लगाएंगे तो ये ब्लैक को प्रेस करके रखेंगे तो ये फिर उसको फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करेगा। नहीं, अगर उनके कंप्यूटर में कोई दूसरा विंडो हो तो फिर ये सीडी से हो जाएगा। कार लगानी है और सीडी ऑन लगानी है, बाकी दिखा देगा ये। अच्छा जी, जब ये इसका प्रिंट निकला है तो ये बता रहे हैं जी कि आपने अब इसको रख के तो इसको कलर पे वो करना है, प्रिंट लेना है, कलर वाला पेपर लगाना है ना, वो ये वाला लगाना होता है। ये करेक्ट तुमने प्रेस करना। कंटिन्यू कितनी कॉपीज निकालने के बाद रेस्ट देना, ये तो आप ही डिपेंड करता है। नहीं वही तो इतना कोई वो नहीं है इसका, मतलब 50 कॉपी निकालनी है कोई 30-40 उसके बाद इसको रेस्ट देना पड़ता है आपको, क्योंकि ये तो नाजुक सा लग रहा है। अच्छा जी, सारी वो नहीं होते हैं। Thank you.
ये जो प्रिंटर हो गया, ये स्कैनर हो गया और ये कॉपियर भी हो गया। बकौल इनके जी ये 8000 कॉपीज निकालता है कलर में और 6000 कॉपी निकालता है ब्लैक में, जो कि ये अप्रॉक्सीमेटली और एस्टिमेटेड होता है। इसमें अगर आप फुल बैकग्राउंड वाले निकालेंगे तो उससे कम निकालता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल निकालेंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा निकाल लें।